ओके सो वी हैव जस्ट कैप्ट दिस सेशन अ ब्रीफ सेशन टू डिस्कस कि आप लोग कैसे आगे प्रोसीड कर सकते हो इसमें डाल दीजिए ना खोल के यही डाल दीजिए सो uh, या so, yeah. आप लोग का एग्ज़ाम कैसा हुआ सबका यू ऑल कैन जस्ट राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स यू ऑल कैन जस्ट राइट द पेपर नेम विच यू आर प्योर फॉर एंड कैसा हुआ ऑल राइट सो बेसिकलीके पेपर्स हैव बिकम अ लिटल बिट लेंदी लेंदी आई विल नॉट से बट हाँ टाइपिंग है तो थोड़ा लगता है जिनको टाइपिंग का है एज कंपेयर टू प्रीवियस टर्म्स ऑल राइट सो जस्ट अ क्विक ओवरव्यू कि आप लोग कैसे अपने नेक्स्ट अटैम्प्ट को प्लान कर सकते हो वी हैव गुड अमाउंट ऑफ सिक्स एंड हाफ मंथ्स इफ य सी वी हैव एंटायर ऑक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फेबररी मार्च सिक्स मंथ्स तो ये हो गए एंड अभी थोड़े दिन फॉर वन वीक फॉर ऑफ़ सेप्टेंबर एंड मे बी वन वीक ऑफ अप्रैल विल बी देय विद अस सो गुड सिक्स एंड हाफ मंथ्स इज देय विद अस टू प्लान फॉर द पेपर्स एंड वट आई हैव सीन फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस आई विल टेल यू सिंस आई ऑल्सो क्लियर माई लास्ट पेपर टू ईयर्स बैक तो मैंने अपना लास्ट पेपर क्लियर किया था सेप्टेंबर ट्वेंटी ट्वेंटी में विच आई प्योर फॉर सी पी टू सी पी थ्री उसके बाद वन और टू अटैम्प्ट आई ड नॉट अप्योर ओनली तो वो जो ब्रेक होता है ना वो ब्रेक कभी नहीं लगाने चाहिए क्योंकि एक बार आप ब्रेक लगाते हो अपने एक भी अटैम्प्ट अगर आप मिस करते हो तो इट बिकम एक आपके लिए वो एक रोड ब्लॉक जैसा हो जाता है बिकॉज उसके बाद जब आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में दोबारा पढ़ना स्टार्ट करते हो सो यू आर स्टार्टिंग अगेन फ्रॉम द वेरी स्क्रैच अभी क्या अभी आप ऑलरेडी फ्लो में हो, यू हैव जस्ट गिवन द एग्जाम सो आपने ऑलरेडी काफ़ी पढ़ रखा है अभी तो वो पढ़ने के हैबिट में आप हो वेदर यू आर वर्किंग और यू आर नॉट वर्किंग यू हैव दैट हैबिट ऑफ स्टडिंग एंड वंस यू लीव दैट हैबिट even for maybe you know two weeks वापस से वो habit को लेके आना it becomes very difficult right so since you all have consistency of studying right now you all should continue with that and you all should not miss any one particular term because you will feel uh, एक वो बाद में बहुत ज़्यादा ख़राब feel होता है कि हमने एक term miss किया तो सबसे पहली तो ये बात है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि let's wait for the results येस इट्स अ गुड थिंग यू शुड वेट फॉर द रिजल्ट्स बट रिजल्ट वेट करने के लिए बहुत ज्यादा डीले हो जाएगा डिसंबर में रिजल्ट आएंगे आई थिंक सिक्सथ एंड एट्थ ऐसा रिजल्ट आ रहा है uh, तो अगर आपका उस समय रिजल्ट आता है देन यू विल बी जस्ट हैविंग मे ब थ्री थ्री एंड अफ मंथ्स उस समय यू विल नॉट बी एबल टू अप्योर अ फॉर अ लेंथीअर पेपर तो आपको कोई छोटे पेपर देने पड़ेंगे विच इज़ एनी वेज ऑफ नॉट दैट ग्रेट इंपॉर्टेंस जो कि आप कभी भी बाद में भी दे सकते हो मे बी वंस यू स्टार्ट वर्किंग इफ यू आर अ स्टूडेंट और मे बी लेटर ऑन एज वेल तो ये जो टाइम है कमिंग थ्री मंथ्स जस्ट वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स शुड नॉट बी द ओनली थिंग यू शुड एक्चुअली स्टार्ट प्रिपेयरिंग इवन आई ऑल्सो हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माई नेक्स्ट पेपर विच आल बी अपेरिंग एवरी वन शुड डू दैट बिकॉज एक बार आप देखते हो ना बिकॉज इट हैज़ हैपन्ड विथ मी ऑल्सो मैंने एक बार वेट किया था कि चलो रिजल्ट तक वेट करते हैं उसके बाद यू विल नॉट हैव सो मच ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर अ न्यू पेपर राइट सो दैट्स दैट्स एंड ऑल्सो थ्री मंथ्स टू मंथ्स में आपका पढ़ने का पूरा हैबिट चला जाएगा कंसिस्टेंसी पूरा खत्म हो जाएगा सो इट इज़ गुड दैट वी स्टार्ट राइट नाउ सो नाउ हाउ शुड वी यू नो प्लान मूविंग अहेड, इज़ दैट अगर आप अभी सपोज किसी ने सी एम वन दिया है सी एम वन या सी एस वन सी एम वन या सी एस जस्ट गिव मी वन सेकेंड अगर आपने सी एम वन या सी एस वन दिया था अभी प्रीवियस अटेम्प्ट में देन यू शुड एंड दैट वॉज योर फर्स्ट पेपर देन यू शुड गो फॉर द आईदर वन मे बी सी एस वन के लिए आप जाओगे या आप सी एम वन के लिए जाओगे ठीक है इफ़ दिस वॉज योर फर्स्ट पेपर देन यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड दिस इज़ अ गुड लेंथी ये जो अप्रैल वाला अटैम्प्ट होता है दिस इज ऑलवेज अ वेरी गुड अटैम्प्ट क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छे से सिक्स सेवन मंथ्स मिलते हैं बट इफ यू सी अप्रैल एंड सेप्टेंबर वाला अटैम्प्ट सेम्बर वाले अटैम्प्ट में वी जस्ट गेट फाइव फोर टू फाइव मंथ्स मैक्सिमम सो ये अप्रैल अटेम्प्ट को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए इफ यू आर अप्योरिंग फॉर एनी प्लानिंग फॉर एनी शॉर्ट पेपर देन उसके साथ एक और शॉर्ट पेपर ले लो सो फॉर एग्जाम्पल दोज हु फॉर सी एम वन दे विल बी अप्योरिंग फॉर सी एस वन इन दिस अप्रिल अटैम्प्ट तो अगर आपको लग राइफ यिटी कॉन्फिडेंट यू कैन स्टार्ट विद सी एम वन सी एस वन राइट नाओ आप डिसंबर तक अच्छे से सी एस वन पूरा पढ़ो यू विल बी एबल टू फिनिश एट्टी परसेंट ऑफ द सिलेबस एंड देन आफ्टर दैट यू कैन मे बी प्लान फॉर सी बी वन और सी बी टू अगर आपने सी एस वन दिया एंड देन नाउ यू और प्लानिंग फॉर सी एम वन सी एम वन येस इज अ लिटिल लेंथी पीपल सो उस आप अभी सी एम वन ही पूरा पढ़ो देन डिसाइड इन डिसेंबर वैन यू गेट द रिजल्ट की आपको दूसरा पेपर लेना है कि नहीं बट येस सी एस वन के साथ आप एक पेपर डेफिनेटली और कर सकते हो सी बी वन या सी बी टू क्योंकि जितने पेपर्स आपके एक बार आ, कॉलेज तक ख़त्म हो जाते हैं कैन यू ऑल जस्ट रेज योर हैंड्स ऑल द कॉलेज स्टूडेंट्स कैन यू ऑल जस्ट रेज योर हैंड्स एक बार आपके क्लास अगर आपके पेपर्स कॉलेज में जितने ज़्यादा पेपर्स आप ख़त्म कर लेते हो वंस यू स्टार्ट वर्किंग इट बिकम्स रोली डिफिकल्ट टू स्टडी अलोंग विथ वर्क सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अभी जितना पेपर्स ख़त्म कर लो इट बिकम्स जली नाइस तो ये हो गया एंड फॉर दोज हुड फॉर मे बी सी एम टू और मे बी सी एस टू तो वो वापस से इंटरचेंजेबली पढ़ेंगे यू विल बी अप्योरिंग फॉर सी एस टू और यू विल बी अप्योरिंग फॉर सी एम टू राइट दिस इज़ अ वेरी गुड अटेम्प्ट टू अप्योर फॉर सी एस टू सी एस टू बींग अ वेरी लेंथी पेपर तो अगर आप सी एस टू अभी पढ़ते हो इट बिकम्स रोली गुड फॉर यू क्योंकि सी एस टू इज़ अ एक्चुअली लेंदी पेपर ये सिक्स सेवन मंथ्स बहुत अच्छा टाइम होता है हमारा सी एस वन सी एस टू पढ़ने के लिए राइट सो दिस इज़ अगेन अनदर थिंग फॉर दोज हैव अप्योर फॉर सी एम टू और सी एस टू आप इंटरचेंजवली दोनों कर सकते हो फॉर दो जिनका ये चारों पेपर ख़त्म हो गए एंड यू हैवन सैट फॉर सी बी वन तो आप सी बी वन एंड सी बी टू या तो आप ये दोनों पेपर साथ में कर सकते हो बिकॉज इट्स अ वेरी इट्स नॉट वेरी बिग दोनों ऑलमोस्ट थ्योरी पेपर्स हैं एंड सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं है सो यू कैन पिकअ अप वोथ द पेपर्स टूगेदर एंड यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट फॉर दोज हुर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि मैंने अभी सी एस टू दिया आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अब खाली सी बी टू या सी बी वन से स्टार्ट करो एंड देन वंस यू गेट द रिजल्ट यू कैन मे बी स्टार्ट विद द सेकेंड पेपर रिजल्ट तो उस समय क्या है कम्प्लीट करना आराम से क्योंकि अगर आप अभी सी बी टू फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट कर दो यू कैन ईज ईजीली फिनिश द सिलेबस बाय डिसम्बर एंड वंस यू गेट द रिजल्ट्स And you have cleared your exam, so you can go with CB1 as well, which you can again finish it off by February. तो आपके पास काफ़ी टाइम रहेगा फॉर यू नो रिविजन एंड एवरी थिंग तो दैट इज़ द आइडिया इट कि दिसंबर तक जितना ज़्यादा हम पढ़ पाए सो दैट वॉट एवर द रिजल्ट इज पॉजिटिव नेगेटिव वी कैन प्लान अकॉर्डिंगली इवन इफ वी डोंट क्लियर द पेपर स्टिल वी हैव दैट ऑप्शन कि हम या तो यही पेपर कंटिन्यू करके पूरा अच्छे से पढ़ के दें और वी कैन गो फॉर टू पेपर्स दर इज़ नो इशू इन गिविंग टू पेपर्स इन वन अटेम्प्ट इफ़ वी हैव दैट टाइम इफ़ वी आर वर्किंग इफ़ यू ऑल आर इफ

दिस थ्री मंथ्स बिकॉज ये जो थ्री मंथ्स है कब निकल जाएगा एंड कब आप इतना पढ़ लोगे यू विल नेवर रोलाइज राइट सो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट ओवर योर ये आप सी बी वन सी बी टू कर सकते हो उसके बाद जिनका ऑलरेडी ये सारा पेपर्स हो गया और मे बी यू आर जस्ट लेफ्ट विथ सी बी वन और मे बी यू आर जस्ट लेफ्ट विथ सी बी टू देन वॉट यू कैन गो गो फॉर इज यू कैन गो फॉर सी बी वन दिस आई विल ओनली सजेस्ट इफ़ यू आर इन योर थर्ड योर एंड अगर आपका मे uh, बी आप सेकेंड ईर में जा चुके हैं यू विल भी स्टार्टिंग विथ योर थर्ड ईर नेक्स्ट ईयर और यू हैव कम्प्लीटेड योर सेकेंड ईर एंड यू आर इन योर थर्ड योर तो आप सी पी वन के लिए तब जा सकते हो इफ़ यू हैव कम्प्लीटेड ऑल दीज अब पेपर्स राइट एंड मे बी आपको एक क्योंकि अप्रैल अटेम्प्ट जो है अगेन आई एम सेइंग इट्स अ वेरी गुड टाइम यू नो टू टेक अप एनी लेंथी पेपर्स सीपी पी वन बींग वन ऑफ द वेरी लेंथीएस्ट पेपर्स ऑफ द एंटायर एक्चुअल जर्नी एंड सीपी पी वन इज़ अ पेपर जो जॉब के साथ पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है नो डाउट बिकॉज आपको इसमें काफ़ी थ्योरी है यू हैव टू स्टडी यू हैव टू गिव गुड टाइम टू दिस पेपर सो Definitely along with college, also we can do this once we have completed this above set of papers, right? So we can definitely go with CP1 agar aapka ye sara papers ho गये, that also you all can you know once uh, ask एक बार पूछ सकते हो कि आप CP1 के लिए जाना चाहते हो या फिर कोई और paper के लिए और yes uh, another options that you have is CP2 और सी पी थ्री एज वेल अगेन सी पी टू सी पी थ्री ऐसे पेपर्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा यू नो यू माइट बी हियरिंग पीपल से दैट ये जॉब के साथ आप करो जॉब के साथ इट बिकम्स ईजी और वैसा कुछ भी नहीं है बोर्ड पेपर्स आ पेपर्स जहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा आई विल नॉट से दैट येस टू सम एक्सटेंट मे बी जस्ट फ्यू थिंग्स की आपका एक्सेल थोड़ा प्रैक्टिस हो जाता है इफ़ यू आर वर्किंग अदर देन दैट देर इज नो अदर रीजन एज अ स्टूडेंट ऑल्सो यू कैन अपेव फॉर सी पी टू सी पी थ्री इवन इफ यू आर नॉट वर्किंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोज हु से कि जॉब के साथ सी पी टू सी पी थ्री में हेल्प होता है आई डोंट फील बिकॉज आई टीच सी पी टू सी पी थ्री एंड आई टीच बोथ आई टीच कॉलेज स्टूडेंट्स ऑल्सो आई टीच पीपल हु आर वर्किंग एज वेल एंड आई सी दैट स्टूडेंट्स आर ऑन द सेम लेवल ओनली इन द क्लास तो ऐसा कहीं नहीं आता कि आई विल गिव दिस पेपर्स वंस आई स्टार्ट वर्किंग वंस आई हैव completed ऑल द पेपर्स देन ओनली आई विल मूव to and टर्म ब्रेक जो हम बोलते हैं ना वो मत लेना कभी भी इफ यू आर प्लानिंग कि नहीं चलो मेरा सारा फाइव सिक्स पेपर्स हो गया एक टर्म हम लोग थोड़ा रिलैक्स करते हैं नहीं देते कोई पेपर वो रिलैक्सेशन मोड अभी मत लेके आओ दैट रिलैक्सेशन मोड शुड कम आफ्टर योर यू हैव कंप्लीटेड ऑल द थर्टीन पेपर्स बिकॉज ट्रस्ट मी वंस यू गेट इन टू दैट रिलैक्सेशन मोड दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करना बिकम्स अ वेरी बिग एक आपको वापस से वो कंसिस्टेंसी लाना पड़ेगा जो कि बहुत डिफिकल्ट है लाना दैट इज़ द फर्स्ट थिंग एंड सेकेंड थिंग बाद में जाके आपको बहुत रिग्रेट होता है कि क्यों हमने वो टर्म छोड़ा दैट वॉज अ वेरी गुड टर्म आई वाज इन कॉलेज आई कुड हैव इट बट आई वेस्टेड दैट टर्म सो प्लीज डू नॉट मिस एनी टर्म भले ही आप uh, पेपर कोई सा भी दो बट एक पेपर डेफिनेटली देना है टर्म मिस नहीं करना है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई बी सेंग एंड अप्रैल अटेम्प्ट इज़ अब द वेरी अ गुड अटेम्प्ट दैट वी गेट सेकेंडली हो सकता है आई एफ ओ ए इज थिंकिंग अबाउट सम चेंजेस इन सी बी वन एंड सी बी टू पेपर विच दे हैवन यू नो टॉक्ड अबाउट प्रोपरली शायद वो पूरा एम सी क्यू कर देंगे वॉट एवर इट इज़ सो अगेन इट्स अ गुड अटम्प्ट जहाँ पर हम ये दोनों पेपर को भी ले सकते हैं ऐसा नहीं कि दे विल मेक इट वेरी डिफिकल्ट बिकॉज दे आर मेकिंग सर्टन चेंजेस तो हो सकता है दिल गिव अजी अ पेपर इट माइट बी पॉसिबल आई एम जस्ट यू नो स्टेटिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज़ दिस इज़ नॉट वॉट दे हैव सेट बट अगेन इट्स अ पॉसिबिलिटी कि ऐसा हो सकता है सो अगेन आई विल से जिन्होंने भी अभी इस टर्म में सी एम वन या सी एस वन दिए एंड दैट वॉज योर फर्स्ट पेपर सो यू कैन गो फॉर दी अदर वन सी एस वन और सी एम वन दोज हुव गिवन सी एम टू और सी एस टू एन उनका सी एम वन सी एस वन हो चुका था सो यू कैन गो फॉर सी एस टू और सी एम टू वाइसा वर्सा एंड अगर आपका सी बी वन सी बी टू बचावे सो यू कैन टेक अप दैट इज वेल सो यू हैव कम्प्लीटेड योर टू थ्री पेपर्स एंड यू आर गिविंग फॉर मूविंग फॉर योर फोर्थ पेपर थर्ड पेपर ऑलरेडी नो पैटर्न कैसा होता है पढ़ने का तो उसके साथ आप सी बी वन सी बी टू ले सकते हो बिकॉज सी बी वन सी बी टू इज अ पेपर जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा टाइपिंग प्रैक्टिस नहीं करना है अगर हम आई एफ ए का बात करें यू डोंट हैव टू प्रैक्टिस टाइपिंग अलॉट आप जो भी अपने मेन पेपर्स में टाइपिंग प्रैक्टिस करो दैट इज मोर देन अनफ फॉर सी बी वन सी बी टू अलग से कुछ टाइपिंग आपको प्रैक्टिस नहीं करना दीज आर देपर्स यू कैन कंप्लीट द सिलेबस इन टू एंड हाफ वेरी इजिली राइट सो दैट इज द इंटायर स्ट्रक्चर यू शुड गो फॉर एंड अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा भी फील हो रहा है दैट यस आई कैन टेक अप टू पेपर्स ये देन यू शुड टेक अप टू पेपर्स बट आई विल नॉट सजेस्ट टेक अप टू डिफिकल्ट पेपर्स जैसे आप सी एस टू दे रहे हो तो उसके साथ सी बी टू जनरली देना क्योंकि ये स्टेटिस्टिक्स पेपर है तो उसके साथ आप इको का पेपर क्लब कर सकते हो सी एम टू के साथ आप सी बी वन का पेपर क्लब कर सकते हो आई विल नॉट से कि अगर आपका फर्स्ट पेपर है तो फर्स्ट पेपर के साथ ही कोई पेपर क्लब कर लो जनरली आई डो नॉट से दैट हां अगर आपका सेकेंड पेपर है यू आर प्रटी मच कॉन्फिडेंट कि आपका लास्ट पेपर बहुत अच्छा गया देन ओनली टेक अप द सेकेंड वन राइट सो दैट ऑल्सो यू कैन डू एनी क्वेश्चन स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर आपको है यू ऑल कैन डिस्कस बिकॉज दिस इज अंपल डिस्कशन क्लास दैट वी हैव केप्ड तो अगर आप लोगों को किसी को इंट्रेस्ट स्टेज योर हैंड एंड यू कैन अन यू टू यूर सेल्फ एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन यू ऑल वॉन्ट टू आस्क रिगार्डिंग कि आपको कैसे मूव अहेड करना चाहिए कौ, कौन सा पेपर देना चाहिए प्रियांशी यू वांट टू से समथिंग आप लोग यू ऑल कैन जस्ट सो रॉनिस इज सेइंग सी वन एंड सी एस वन ओके सो इवन इफ सी अगर आपने हंड्रेड परसेंट अटैम्प्ट जनरली नहीं होता है एक्चुअली इसके पेपर में एंड दैट ऑल्सो वैन वी आर टाइपिंग सो अगर आपका नाइन्टी मार्क्स के अराउंड एट्टी मार्क्स के अराउंड भी अटैम्प्ट हुआ है सो यू कैन एक्सपेक्ट कि चलो मान लेते हैं उसमें से हमें सेवेंटी के अराउंड मिल जाएगा राइट या फिर सिक्सटी प्लस के अराउंड मिल सकता है इफ दैट इज़ वॉट यू आर थिंकिंग दैन यू शुड डेफिनेटली हाँ अगर बहुत ही वर्स के सिनारियो बहुत एक्सट्रीमली पुअर यू हैव परफॉर्म मे बी यू हैव नॉट इवन अटेम्पटेड फिफ्टी मार्क्स दैट्स अ कंप्लीट डिफरेंट स्टोरी बट अगर आपने एन आप सोचो आपने अगर अभी कोई एक पेपर दिया है एंड आई विल आस्क यू अगेन स्टार्ट स्टडिंग फॉर द सेम पेपर वो बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं कि वापस सेम चीज़ पढ़ना है इट बिकम्स वेरी बोरिंग सो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक नया पेपर अगर पढ़ते हैं सो वी गेट दैट डिस्ट्रैक्शन एंड वी स्टार्ट वेरी वी स्टार्ट अ फ्रेश उसके बाद वॉट एवर द रिजल्ट फिर वी अकॉर्डिंगली डिसाइड सिंस इट इज़ अ बिग

That is a very good attempt for papers like cm1 cs2 and cp1 so aap log ke initial level pe आप लोग के इनिशियल लेवल पे thode lengthy hote hain सी एस सी जो थोड़े लेंथी होते हैं ये पेपर्स अभी अप्रैल अटैम्प्ट के लिए बेस्ट होता है तो सी बी वन नहीं देना चाहिए यू शुड गो फॉर सी एम वन यू शुड फर्स्ट फोकस ऑन क्लियोरिंग दीज फोर पेपर्स एंड देन यू शुड थिंक अबाउट गोइंग फॉर दी शॉर्टर पेपर्स नॉट नाउ रौनत सीएस टू अगेन द सेम थिंग आई विल से बिकॉज दो चीज है सिंस यू हैव गिवन सी एस वन ऑल्सो सी एस वन में यू हैव डन आर प्रोग्रामिंग राइट सो आर प्रोग्रामिंग इज फ्रेश एक्सेल इज समथिंग जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा रिविजन नहीं चाहिए बट आर प्रोग्रामिंग इज समथिंग जो अगर आप सिक्स सेवन मंथ्स नहीं करते हो तो आप भूल जाते हो आई हैव सीन स्टूडेंट्स इवन फॉर गेटिंग हाउ टू राइट अ सिंगल कोड वो कंसोल खोलना भूल जाते हैं या फिर वो सम भूल जाते हैं आर स्क्रिप्ट क्या होता हैच स्टूडेंट्स एज वेल जो सिक्स सेवन मंथ्स में ये चीज़ भूल जाते हैं सो इफ यू आर अ फॉर सी एस वन आपके दिमाग में आर प्रोग्रामिंग पूरा फ्रेश है एंड यू हैव गिवन सी ए वन ऑल्सो देन यू शूड डेफिनेटली स्टार्ट विथ सी एस टू सो निहारिका फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस वॉट आई विल सी यू फॉर सी पी वन सी पी वन अगर अभी से पढ़ते हो ना इट्स नॉट अबाउट सी पी वन इज़ अ पेपर इनफैक्ट ऑल द हायर पेपर जब हम इन, इनके लिए जाते हैं ये लास्ट मोमेंट नहीं होता है सी पी वन इज़ अ पेपर जो आपको अभी से पढ़ना है अभी से जो भी आप पढ़ोगे ना यू यू आर एक्चुअली सी पी वन फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा थ्योरी है सेकेंडली पेपर वैन यू सी द पास पेपर्स दोज आर वेरी मच केस स्टडी वेस्ड पेपर्स तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं so, तो वो चीज़ की हमें याद करने हैं पॉइंट्स वो आपको याद कब होगा जब आप अभी से बहुत पढ़ रहे हो जैसे अभी से इफ़ यू आर गिविंग गुड थ्री फोर आवर्स एंड सी पी वन मेरे सर इज़ कंडक्टिंग लाइव क्लासेज एवरी डे तो वो लाइव क्लास वन आवर वन एंड हाफ आवर्स का जो भी है एंड अलोंग विद दैट आप खुद से थ्री आवर्स पर डे हो सो इफ यू आर गिविंग गुड थ्री आवर्स के अराउंड एवरी डे सिंस यू आर वर्किंग वीकेंड में यू कैन गिव फोर आवर्स फाइव आवर्स अभी से देना है क्योंकि उस समय अप्रैल मार्च वाले टाइम पे एनी वेज यूर नॉट लर्निंग एनीथिंग न्यू उस समय आप खाली पेपर सॉल्व करोगे पास पेपर्स बिकॉज यू विल रोलाइज इन दीज हायर पेपर्स नॉट इवन एस पी एंड एस पेपर्स इट्स नॉट अबाउट स्टडिंग एट द लास्ट मोमेंट इट्स अबाउट स्टडिंग स्टार्टिंग से टू टू थ्री थ्री आर्स करके ये सब जो सी एम सी एस पेपर्स होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा हाँ दैट इज़ वाई वी से कि ये पेपर्स तो कॉलेज के साथ डेफिनेटली हो ही जाना चाहिए क्योंकि ये पेपर्स हैं जो कॉलेज के साथ देने के होते हैं हाँ फिर ये जो पेपर्स होते हैं सी पी वन में जैसे मैं बोल रही हूँ ये डे वन से पढ़ना है तो तुम अगर डे वन से पूरा अच्छे से फोकस्ड होके के पढ़ रहे हो ना तो टुवर्ड्स तो दी एंड क्या होगा फिर कैसा भी हो यू कैन यू जस्ट हैव टू मार्च अप्रैल में यू जस्ट हैव टू एनी वेज सॉल्व पास्ट पेपर्स यू एनी वेज डोट हैव टू सिट डाउन एंड गो थ्रू द मैट ये टाइम में जहाँ पे मटीरियल रीडिंग होगा रिविजन नोट सॉल्विंग होगा जो कि दिसंबर तक जनवरी तक फिनिश हो जाएगा उसके बाद तो पूरा दो तीन महीना पूरा पेपर सॉल्विंग है और कुछ भी नहीं सो so, ऐसा बिल्कुल नहीं है एंड अप्रैल इज अ वेरी गुड टाइम लाइक सेप्टेंबर में तो बहुत कम टाइम देन यू शुड गो फॉर सी पी टू सी पी थ्री सो अप्रैल अटैम्प्ट इज द बेस्ट अटैम्प टू अपेयर फॉर सीपी वन पेपर यस वन ओके आर यू इन कॉलेज राइट नाउ डू वन थिंग वट आई विल सजेस्ट यू इज एक बार के लिए ना दोनों पेपर हाथ में मत लो यू गो फॉर सी एम वन एक बार ठीक है एक बार सी एम वन स्टार्ट करो पढ़ना स्टडी सी एम वन फॉर टू मंथ्स एंड ट्राई टू फिनिश एज मच पूरा तो हंड्रेड परसेंट सिलेबस टू मंथ्स में नहीं फिनिश होगा बट जितना पॉसिबल फिनिश कर पाओ उतना फिनिश करने का कोशिश करो एंड देन आफ्टर टू मंथ्स यू विल जज योर सेल्फ कि आपका कितना हुआ है एंड वी हैव मॉक टेस्ट ऑन द मॉक प्लेटफॉर्म एंड एक बार कॉल पे भी फिर वी कैन टॉक एंड देन यू स्टार्ट विथ सी एस वन एक बार मैं दोनों मत स्टार्ट करूँ यू स्टार्ट विथ सी एम वन राइट ना बट सी एम वन स्टार्ट कर दो क्योंकि इट्स अ लेंथी पेपर अगेन तो सी एंड ऐसा नहीं है सी एम वन का सिलेबस अगर अच्छे से पढ़ते हो ना तो टू एंड हाफ मंथ्स में फिनिश आराम से हो जाता है एवरी डे एज अ स्टूडेंट इफ यू स्टडी एवरी डे प्रॉपरली टू एंड हाफ मंथ्स में आराम से सिलेबस हो जाएगा देन वी कैन डिसाइड की सी एस वन लेना है कि नहीं एंड येस यू कैन गो फॉर ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स हैव बीन दे हु हैव गिवन सी एम एन सी एस वन टूगेदर एंड क्लियर बोथ इन द सेम अटैम्प देर हैव बीन सम आई विल नॉट से अलॉट सम स्टूडेंट जिन्होंने सीएम टू एंड सी एस टू भी एक अटैम्प में किया था तो वो है बट अगेन दोनों साथ में मत लो सी एम एन स्टार्ट कर दो ऊपर पढ़ना एंड उसके बाद डिसाइड कि क्या करना है आफ्टर स्टूडेंट तो कॉलेज जितना भी होता है ट्राई टू गिव फाइव आवर्स फाइव टू सिक्स आवर्स एवरी डे टोटल इंक्लूडिंग द क्लासेस फाइव टू सिक्स आवर्स दो तो क्या सिलेबस जल्दी खत्म होगा एंड यू कैन देन गो फॉर सी एस वन हज वेल एवरेज टाइम टू प्रिपेयर फॉर सी एम टू एवरेज टाइम टू प्रिपेयर फॉर इशिका सी पी वन एंड सी बी वन इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन सी पी वन अगेन इज़ थ्योरी सी बी वन इज़ ऑल्सो सम वॉट थ्योरी उसमें कुछ कुछ हैं अकाउंट्स रिलेटेड एंड ऑल टैक्स रिलेटेड थोड़ा बहुत है बट येस यू कैन गो फॉर दैट वॉट आई विल से एक बार स्टार्ट कर दो पढ़ना सी सी पी वन ऐसा पेपर है ना कि तुम एवरी डे पढ़ ही नहीं पाओगे थ्री फोर रात से ज़्यादा मन ही नहीं करेगा क्योंकि थ्योरी है एंड सी बी वन के लिए भी सेम everyday, hour, से same है एवरी डे तुम वन आर टू आर से ज़्यादा पढ़ ही नहीं पाओगे एंड ऐसा yes, नहीं कि आई विल सेम है बट यस काफ़ी कुछ लिंकेज है तो वो सिमिलैरिटी कुछ कुछ कहीं कहीं दिखेगा एक्चुअली तो सी पी वन एंड सी बी वन येस यू कैन गो फॉर दैट एक बार पढ़ना स्टार्ट करो सी सिंस दिस इज़ अ बिगर अटैम्प्टो यहाँ पर खाली सी बी वन तो आई विल नॉट से की पढ़ो तो सी पी वन पढ़ना स्टार्ट कर दो एंड देन डिसम्बर में यू कैन डिसाइड कि वेदर आई शुड रजिस्टर फॉर बोथ और नॉट बट येस यू कैन इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन यू कैन गो फॉर इट अभी बहुत टाइम है फॉर टू प्रिपेयर फॉर सी पी वन एंड सी पी वन टूगैदर एवरेज टाइम टू प्रिपेयर फॉर सी एम टू डिम्पल इफ़ यू आर अ स्टूडेंट दैन यू शूड अगैन गिव फाइव आवर्स एवरी डे इफ़ यू आर थ्री आवर्स तो ट्राई करो देने का राइट I have taken classes for सी एस टू सो शुड आई स्टार्ट राइट नो और नो समर थी यू मैंने आज एक क्लास भी रखा था सी एस टू का ओरिएंटेशन का यू शुड स्टार्ट फॉर सी एस टू पढ़ना स्टार्ट कर दो अक्टूबर से सेकेंड वीक से वील बी हैविंग द लाइफ क्लासेज बट अभी से यू शुड स्टार्ट विथ लॉस डिस्ट्रीब्यूशन एंड जो भी मैंने क्लास में आज का क्लास एक बार देख लेना ओरिएंटेशन का इट विल भी अपलोडेड सी एस वन एग्जाम डिट गो वेल सो शुड आई हाँ प्रथम दैट इज व टाइम से एग्जाम डिंट गो वेल बहुत बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स बोलते हैं डिंट गो वेल एंड क्लियर हो जाते हैं एग्जाम सो एज पर योर एक्सपेक्टेशन मे बी डि नॉट गो बट यू इट वेंट वेल टू क्लियोर इवन इफ दैट इज नॉट द केस डोंट वेस्ट दीज थ्री मंथ डिसंबर तक वेट करके कोई फायदा नहीं है यू शुड स्टार्ट विथ योर सी एम वन अगर सपोज मान लेते हैं कि मेरा सी एस वन नहीं होता मैंने सी एम वन स्टार्ट कर दिया पढ़ना एंड मेरा सी एस वन फॉर एग्जाम्पल नहीं होता तो तब मैं देखूंगी कि मेरा सी एम वन का सिचुएशन कैसा है इफ़ आई एम वेरी गुड एट इट आई विल गो विथ बोथ सी एम वन सी एस वन और आई विल जस्ट गो विथ सी एम वन तो तब हम डिसाइड करेंगे बट डोंट वेस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो जनरली सिक्सटी रहता है बट अगर इफ इट्स अ वेरी डिफिकल्ट पेपर पेपर बी इस बार ईजी ही था सी एम वन में बहुत डिफिकल्ट स्टैंडर्ड पेपर था तो आई आई थिंक सिक्सटी के अराउंड ही रहेगा कट ऑफ बोल नहीं सकते हैं उसका बट प्रथम यू शुड स्टार्ट विद सी एम वन डोंट वेस्ट टाइम क्योंकि बाद में आपको लगेगा कि यार मैंने टाइम क्योंकि दिसंबर के बाद सी एम वन स्टार्ट करना विल बी टू लेट तो अभी ही स्टार्ट कर दो सी एम वन पढ़ना क्योंकि देखो पढ़ना तो है देना तो है पेपर ऐसा नहीं कि नहीं देना है राइट देना तो है तो अभी से वाई वाई डोंट यू स्टार्ट स्टडिंग एंड यू नो देन लेटर ऑन सी की क्या होता है इनफैक्ट आई हैव गिवन टू पेपर्स आई विल बी स्टार्टिंग विद माई नेक्स्ट क्योंकि मैंने देख लिया एक बार करके आई वेटेड फॉर द रिजल्ट एंड देन मेरे पास टाइम भी नहीं था टू प्रिपेयर फॉर माई नेक्स्ट पेपर एंड वो टर्म वेस्ट होता है आपका फिर तो कोई फायदा नहीं है वो चीज़ करके आई यू शुड स्टार्ट स्टडिंग फॉर योर नेक्स्ट पेपर एनीथिंग um, uh, और भी आप लोग कुछ कुछ आप लोग पे भी हाँ बोलो वंदित नो 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 सी पी टू सी पी थ्री पहले सी एम सी एस क्लियर हो जाए उसके बाद ही देना चाहिए आई विल नॉट सजेस्ट डूइंग दैट कर सकते हो बट अभी यू स्टार्ट विथ सी एम वन दैट इज व टाइम अगेन एंड अगेन सेंग एक बार टू मंथ्स पूरा अच्छे से या फिर इनफैक्ट वन मंथ भी पढ़ो एंड उसके बाद जस्ट वी कैन हैव अ टॉक ऑन कॉल मे बी यू कैन हैव अ टॉक विथ मी और सर एंड देन यू कैन डिसाइड कि नेक्स्ट क्या प्रिपेयर करना चाहिए कौन सा पेपर लेना चाहिए बट जस्ट गो विथ सी एम वन अभी के लिए अभी डोंट थिंक अबाउट एनी अदर पेपर सी एम वन अच्छे से करके इफ इट्स गोइंग रोली गुड यू कैन गो फॉर सी एस वन बिकॉज सी एस वन इज़ अ शॉर्टर पेपर कंपेयर्ड कंपेरेटिवली एंड वो मैनेजेबल हो जाता है तो एक बार वन मंथ पूरा अच्छे से पढ़ो सी एम वन देखो कितना हो पाता है कम्प्लीट उसके बाद डिसाइड करना यस yes, आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हो या आप लोग पूछ सकते हो बोलो क्या हुआ हाँ मी हाँ बोलो सीएम वन में वी सी एम सी एम वन में वी हैव हाँ सम बेसिक क्लासेस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन का दैट वील गिव यू तो कुछ और करने का ज़रूरत नहीं है बेसिक्स पूरा करवा देंगे पाँच छः क्लास में इसीलिए बोल रही हूँ अभी से स्टार्ट करोगे तो क्या है यू गेट इन टू द फ्लो एक बार कि कैसा चल रहा है एंड देन वन मंथ टू मंथ्स पढ़ के देन यू डिसाइड कि सेकेंड पेपर का और बोलो यू ऑल कैन एकदम रैंडमली आस्क नो वन विल जज यू आराम से पूछो जस्ट आई विल से टू टू थ्री थिंग्स विच यू शुड कीप इन माइंड विच आई हैव फेसड इट एंड दैट इज़ वाई आई एम अगेन एंड अगेन से इट एक भी टर्म मत छोड़ो अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि पेपर नहीं क्लियर होगा उस वजह से अगर आप थ्री मंथ्स नहीं पढ़ोगे तो दैट विल बी अ कम्प्लीट वेस्ट ऑफ योर टू मंथ्स थ्री मंथ्स एंड एक्चुअली इसमें इट्स अ लॉन्ग जर्नी अगर आप शुरू में ही थक जाओगे या शुरू में ही आप ब्रेक ले लोगे मुझे एक टर्म ब्रेक लेना है ब्रेक बोल के कुछ होता नहीं है क्योंकि एक बार वो ब्रेक लगा ना अगेन स्टार्ट करना जर्नी इज़ वेरी डिफिकल्ट ट्रस्ट मी दिस इज़ आई एम सेइंग फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस इट विल नॉट इट विल नॉट टर्न आउट टू बी गुड आफ्टर दैट ब्रेक आपको पढ़ने का मन बहुत कम करेगा एंड देन यू विल एक्चुअली गो इन टू दिस रिग्रेट वाला मोड कि यार मैंने क्यों एक टर्म छोड़ दिया आई शुड हैव गिवन वन पेपर इन दैट अटैम्प्ट आई शुड हैव आई कुड हैव क्लियर वन पेपर बिकॉज इट्स अ लॉन्ग जर्नी एंड एक भी अटैम्प्ट मिस करना इज़ अ नॉट गुड थिंग एंडलेस इट्स अ वेरी बिग पर्सनल रीजन विच इज़ हैपनिंग टू यू अदरवाइज प्लीज डोंट मिस एनी एंड पढ़ना तो है आज पढ़ो कल पढ़ो सो इट्स बेटर वी स्टडी राइट नाउ एंड कम्प्लीट इट राइट इनस्टेड ऑफ वेटिंग एंड जस्ट मे बी टाइम पास करके क्या फ़ायदा आई क्ल्योर इन सो आभास तुम्हें मतलब सी एम वन सी आई विल बी एबल टू स्कोर हाउ डू यू नो यू विल बी एबल टू स्कोर इन दिस रेंज ओनली सो अगेन आभास आई विल अगेन सी यू द सेम थिंग सिंस यू हैव अप्योर फॉर सी एम वन नाउ यू शुड गो फॉर सी एस टू दिस इज अगेन अ वेरी गुड अटेम्प्ट कि आप सी एस टू पढ़ सकते हो तो अभी क्या यू स्टार्ट विथ सी एस टू ठीक है एंड देन अगेन सी एस टू का काफ़ी मेजर पोर्शन तक दिसंबर तक आराम से हो जाएगा एंड देन वंस वी गेट गेट द सी एम वन रिजल्ट आउट वी कैन डिसाइड कि क्या करना है बट वे क्या करोगे वरना वॉट विल यू डू फॉर दीज थ्री मंथस राइट क्यों वेस्ट करना है नहीं सी वी वन नहीं दीज आर पेपर्स यू आर इन योर फर्स्ट ईयर ना आभास दीज आर पेपर्स विच यू शुड डू इन लेटर टाइम अभी नहीं हाँ तो सेकेंड तब तो सी एस टू ही करना चाहिए सी कोई भी जो वर्किंग है यहाँ पे वो आपको बोल सकता है अनम्यूट करके यू ऑल रिलेट टू दिस बिकॉज आई हैव सीन स्टूडेंट्स सी एस ये दोनों पेपर्स जॉब के साथ करना इज़ अ वेरी बिग टास्क मतलब सी पी वन में भी इतना मेहनत नहीं लगता है जितना सी एस टू एंड सी एम टू में लगता है इफ़ एनी वन ऑफ यू विल अग्री विथ मी सी एम टू एंड सी एस टू में इतना मेहनत लगता है जितना सी पी वन में भी आप जॉब के साथ सी पी वन भी मैनेज कर सकते हो पर जॉब के साथ सी एम टू सी एस टू मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है एंड दीज आर देपर्स विच दे विल सी इन योर सी वी सी पी सी पी वन देखेंगे ठीक है बट उतना वैल्यू नहीं है तो डोंट वेस्ट टाइम सी एस टू इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पेपर पढ़ना स्टार्ट करो फिर अरे बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जो यू नो सी एस टू दे देते हैं सब दे देते हैं फिर CS2 वैसा कुछ नहीं है यू स्टार्ट विथ सी एस टू पढ़ना स्टार्ट करो एंड देन डिसाइड कि क्या करना है एक बार रिजल्ट स्टार सी एम वन अक्टूबर सारे क्लासेज अक्टूबर सेकेंड वीक से स्टार्ट होगा आफ्टर सेवन्थ और एट्थ अक्टूबर वील स्टार्ट बट अभी से वी हैव स्टार्टड विथ वीडियोज एंड ऑल तो वो आप लोग स्टार्ट कर सकते हो बट अब हास यू शुड नाट आई विल से ये जो टाइम है वो एक तरीके से आपका क्योंकि थर्ड ईयर में जाके प्लेसमेंट्स एंड ऑल आने लग जाएंगे नेक्स्ट ईयर उसके बाद प्रोजेक्ट वर्क रहेगा काफ़ी कुछ रहेगा तब सी बी वन सी बी टू करना चाहिए अभी इज़ अ वेरी गुड टाइम टू गो फॉर सी एस टू सी एम टू पेपर्स सी एस टू करो एनी थिंग uh, किसी और को भी कुछ बोलना है आप लोग आराम से यू ऑल कैन डिस्कस वट एवर यू ऑल हैव इन योर माइंड नहीं बट येस सी एस टू सी एम टू में थ्योरी पोर्शन्स भी हैं बट प्रैक्टिकल काफ़ी ज़्यादा है एप्लीकेशन हाउ मेनी मंथ्स इट टेक्स टू कंप्लीट सी एम टू इफ़ यू आर गिविंग फाइव आवर्स एवरी डे देन यू कैन कंप्लीट इट आई विल से दिलेबस अगर जस्ट सिलेबस का बात करें सी एम टू आई थिंक टू एंड हाफ थ्री मंथ्स में आराम सेलेबस तो आपका खत्म हो जाता है थ्री मंथ्स के अराउंड में एंड देन यू रिवाइज एंड एवरी थिंग उससे पहले ही हो जाता है थोड़ा एक्सेल एन ऑल लेके तो चलो मान लो मैक्सिम थ्री मंथ्स में खत्म हो जाता है आई गेव सी एस वन दिस टाइम आई डों सी ये जो चीज़ है मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है ना आई नॉट बी एबल टू क्लियर इट Mm, ये चीज़ बहुत ही मतलब आई विल से सब्जेक्टिव है हो सकता है कि यू माइट क्लियर द पेपर सो वॉट इफ देन देन यू विल गो विथ सी बी टू एंड सी बी वन वंदित प्लीज म्यूट योर सेल्फ सो वॉट आई विल सेज दैट अभी यू स्टार्ट विथ सी एम वन ओनली देखो क्या करना चाहिए मैं आपको लॉजिकली बताती हूँ मैंने अभी एक पेपर दिया ठीक है अगर मैं श्योर नहीं हूँ कि मेरा वो क्लियर हो नहीं हो टाई सी है समझ नहीं आ रहा मेरे को तो ये भी नहीं पता कि मेरा गया कैसा है मतलब आई कांट इवन कंपेयर कि मेरा पेपर कैसा गया बट मुझे पता है कि मुझे नेक्स्ट अटैम्प में कौन सा देना है मतलब वो फ्लो पता है ना मुझे जैसे मैंने अभी सी एस वन दिया पर मुझे पता नहीं कि मैं क्लियर बट मुझे पता है कि नेक्स्ट नेक्स्ट पेपर शुड बी सी एम वन ओनली तो आई शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सी एम वन फिर रिजल्ट जो भी आएगा तब देखा जाएगा कि रिजल्ट पॉजिटिव है नेगेटिव है अकॉर्डिंगली करना है बट जो भी प्रेपरेशन करना है ना जिस पेपर का वो स्टार्ट करो पढ़ावा वेस्ट तो जाएगा नहीं आपका फर्स्टली सेकेंडली वॉट इफ़ आई क्लियर माई सी एस वन एग्जाम चांसेस क्या होते हैं फिफ्टी फिफ्टी चांसेस होते हैं ना वॉट इफ आई क्लियर माई पेपर इफ आई क्लियर माई पेपर देन मुझे लगेगा यार मैंने क्या ये तीन महीना वेस्ट किया सो ऑलवेज डू वॉट यू हैव प्लान एंड कैसा होना चाहिए अनलेस एकदम ही आपको पूरा पता है कि यार नहीं होगा देन इट्स अ डिफरेंट थिंग वापस से वही है बट अगर आपको डाइसी लग रहा है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है देन यू शुड नॉट लिसन टू एनी वन एल्स एंड जस्ट गो विद द फ्लो मतलब फ्लो एज इन सी एस वन दिया तो सी एम वन देना है सी एम वन दिया तो सी एस वन देना है वैसे सो आई थिंक मोक्षिता यू शुड नॉट गो फॉर एनी अदर पेपर यू शुड गो फॉर सी एम वन ओनली एंड वॉट इफ़ आपका सी एस वन खत्म हो जाता है फिर आप सी एम वन के साथ सी बी टू भी प्लान कर सकते हो तो सी एम वन बहुत आपका दिसंबर तक मे बी आपका 70, सेवेंटी एट्टी परसेंट ऑफ सिलेबस हो भी जाएगा सो so, पढ़ावा कभी वेस्ट नहीं जाता एंड देन अगेन वील सी आपका रिजल्ट भी सी बहुत होते हैं स्टूडेंट्स 15 20 मार्क्स से फेल हो रहे हैं दो ज्यादा स्टूडेंट्स जिन्होंने पढ़ा ही नहीं था स्टूडेंट्स वो फेल बाय टू टू थ्री मार्क्स उनका बहुत कुछ अलग रीजंस भी हो सकते हैं मे बी टाइपिंग नहीं किया था तो इसीलिए आप पेपर बी थोड़ा ख़राब चला गया तो वो हम लोग इवेलुएट कर सकते हैं उस समय क्योंकि मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन आता है एंड देन वी कैन डिसाइड बट डोंट वेस्ट योर टर्म थिंकिंग अबाउट की पेपर नहीं होगा क्लियर आई थिंक वट आई यूज टू डू एंड आई यूज़ टू स्टडी इन कॉलेज अभी तो चलो इट्स अ डिफरेंट थिंग वट आई यूज टू डू आर माई फ्रेंड्स ऑल्सो दे ऑल्सो यूज टू डू द सेम थिंग यूज़ टू यूज टू नेवर थिंक अबाउट द रिजल्ट आई डोंट नो वाई रिसेंटली येस फीस एक पॉइंट है बट आई बिलीव पढ़ावा वेस्ट तो जाता नहीं है सो वी यूज टू कंप्लीट आ पेपर एंड वी यूज टू जस्ट स्टार्ट विद द नेक्स्ट पेपर हम सोचते नहीं थे कि रिजल्ट क्या आएगा राइट right? क्योंकि एक बार आप सोचने लग जाओगे रिजल्ट क्या आएगा वॉट इफ इट कम्स पॉजिटिव तब तो आपके पास टाइम ही नहीं बचता नेक्स्ट पेपर प्रिपेयर करने के लिए एंड दैट इज वॉट सम स्टूडेंट्स डू एंड उनका टाइम वेस्ट हो जाता है सो डोंट वेस्ट इट फ्लो जो है ऑर्डर जो है उसको फॉलो करते जॉबस फिर जो रिजल्ट आते हैं तब हम लोग देखते हैं कि क्या करना है हमें आई गेव सी एम टू एम हाँ ध्रुवी सिंस यू आर वर्किंग आई विल से देन यू कैन गो फॉर सीपी टू सीपी थ्री टूगेदर हैव यू स्टार्ट टेकिंग सीबी टू क्लासेस अच्छा ओके देन वॉट यू कैन डू ए सी बी टू आ पढ़ो सिंस यू सेट दैट यू हैव स्टडी सम वॉट ऑफ इट अलॉन्ग विथ दिस यू कैन गो फॉर सी पी टू और मे बी सी पी थ्री इन दोनों में से एक पेपर क्योंकि देखो मैं बता रही हूँ क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ क्योंकि सी पी टू सी पी थ्री ऐसे पेपर्स हैं ना जहाँ आपको कुछ याद नहीं करना है इट्स अ प्रैक्टिकल ओरिएटेड पेपर पूरा हम लोग के क्लास मतलब आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना आपको वीकली मान लो फाइव सिक्स आर्स देना है अभी के लिए अगर अभी से स्टार्ट करते हो वीकली फाइव सिक्स आवर्स तो वीकली फाइव सिक्स आवर्स कितना होगा एवरी डे का वन आर टू आर ऐसे करके तो वीकली फाइव सिक्स आवर्स आपको टोटल में देना है सी बी टू जैसे पढ़ रहे हो पढ़ो तो क्या आपका डिसम्बर जब तक रिजल्ट आएगा आपका सी बी टू तो पूरा डेफिनेटली हो ही जाएगा सी पी टू सी पी थ्री में से कोई भी एक आपका पूरा हो जाएगा तो अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आता है फॉर एग्जाम्पल तो आप क्या करोगे सी बी टू सी पी टू दे सकते हो एंड अगर आपका मन है आप सी पी थ्री भी ले सकते हो ऐसा कोई दिक्कत का बात नहीं है या फिर आप खाली ये दोनों पेपर कर सकते हो एंड आपका सी एम टू का रिजल्ट फॉर एग्जाम्पल अगर नेगेटिव आता है देन ऑल्सो यू कैन गो विद थ्री पेपर्स सी बी सी एम टू क्योंकि टुवर्ड्स दी एंड होता है जनरली एंड सी पी टू सी एम सी पी टू स्टार्टिंग में होता है एनी वेज सी पी टू में लास्ट मोमेंट कुछ पढ़ने का नहीं होता है अगर आप मुझसे पूछोगे कि कुछ रिवाइज करें सी पी टू में कुछ आपको लास्ट मोमेंट नहीं इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस तो सी पी टू इज़ अ पेपर जहाँ आप लास्ट दिन कुछ पढ़ोगे नहीं कुछ आपको पढ़ना नहीं है इट्स नथिंग टू रिमेंबर मेमोराइज वैसा कुछ नहीं ये पेपर पूरा प्रैक्टिकल है पूरा प्रैक्टिस बेस्ड है एंड इंटरेस्टिंग एंड सिंस्योर वर्किंग आपको और अच्छा भी लगेगा इट्स uh, पूरा प्रैक्टिकल नथिंग टू रिमेंबर तो यू कैन टेक अप सी पी टू राइट नाउ तो सी पी टू पूरा थ्योरी है तो आप सी पी टू करोगे तो आपको एक ब्रेक मिलेगा अच्छा फील होगा करके आई इनफैक्ट लव सी पी टू पेपर बिकॉज मॉडलिंग है तो अच्छा लगेगा आपको पढ़ के एंड देन डिसम्बर में वी कैन डिसाइड अकॉर्डिंग एन इनफैक्ट यू कैन गो फॉर ऑल द थ्री पेपर नो प्रॉब्लम बट आई विल सी सी पी टू के साथ सी बी टू के साथ एक पेपर और ले लो क्योंकि सी बी टू आप खाली पढ़ते पढ़ते वोर भी हो सकते हो तो आपको लगेगा नहीं सी पी टू कर लेते हैं इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस सीपी टू इज अ वेरी गुड पेपर आपको खाली पढ़ना है प्रैक्टिस करना है आप पढ़ना भी नहीं प्रैक्टिस ही बोलूंगी मैं आपको कुछ रिमेंबर मेमोराइज वैसा कुछ नहीं करना होता है सीपी में हाँ हमजा टेलमी यू शुड गो फॉर सी एम टू हमजा आई नो योर पेपर कैसा गया है आई नो यू यू शुड गो फॉर सी एम ू शुड अभी मैं सेम चीज जो मैंने अभी मोक्षता को बोला जो फ्लो है उसको तोड़ो मत एंड यू आर इन योर कॉलेज लास्ट और आई गेस यू शुड गो फॉर सी एम टू कुछ और अगर हमजा मान लेते हैं कि सी एस टू तुम्हारा नहीं होता है जो कि मुझे लगता नहीं तुम्हारा हो जाएगा अगर तुम्हारा सी एस टू नहीं होता है फॉर एग्जाम्पल सी एम टू पढ़ा वेस्ट नहीं जाएगा तुम्हारा बट अगर तुम ये जब कुछ नहीं देते या फिर तुम कोई छोटा पेपर लेते हैं तो फिर तुम जब वर्क वेन यू गो फॉर योर वर्क एंड यू स्टार्ट योर वर्क इन योर नेक्स्ट योर आफ्टर कॉलेज तो उस समय तुम सी सी एम टू पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है किसी से भी पूछो यहाँ पे यू कैन लास्क ध्रूवी शी इज़ वर्किंग अलोंग विथ वर्क सी एम टू सी एस टू आर वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टडी इट्स एक्चुअली क्योंकि आपको प्रैक्टिस सम्स है ना तो आपको टाइम निकालना पड़ता है इन सब पेपर इन सब पेपर्स के लिए आई हैव सीन आई नो पीपल जो जिनका लास्ट पेपर होता है सी एम टू सी एस टू रह जाता है उसके वजह से उनका क्लियर नहीं होता तो यू शुड नॉट वेस्ट टाइम यू शुड स्टार्ट स्टडी एंड सी एम टू इज़ अ पेपर जो तुम तो आराम से डिसम्बर तक ख़त्म कर लेगा पूरा अरे दैट एग्जाम्स विल हैपन डिसम्बर हाँ उसी समय होगा तो क्या हुआ तुम्हारा तो अभी यू हैव टाइम ना यू हैव टाइम इन अक्टूबर अभी एंड कॉलेज के लिए एनी वेज यू ऑल डोंट स्टडी इतना ज़्यादा तो यू शुड गो फॉर सी एम टू यू शुड गो फॉर सी एम टू वंस यू स्टार्ट वर्किंग सी एम टू सी एस टू बिकम्स रि डिफिकल्ट टू क्लियर यस आप लोग को और कुछ पूछना है ऑल कैन जस्ट राइट इड डॉन इन द चैट वर्क नो प्रॉब्लम अनुश्री अभी तक नहीं आया सोल्यूशंस इट विल नॉट कम राइट नाउ अभी आई थिंक इट जनरली कम्स आफ्टर रिजल्ट ओनली सो इट हैज नॉट कम येट अभी नहीं आएगा एंड सल्यूशन्स देख के भी कोई फायदा नहीं है पेपर तो हो ही गया किसी से डिस्कस भी नहीं करना चाहिए पता है येस रॉनित

वो एक बार हम लोग बात कर लेंगे पहले बस बार सी एम टू पढ़ के पूरा खत्म करो दोबारा okay. वो फिर हम लोग बात हाँ फिर सी एम टू ही स्टार्ट करो वो फिर हम लोग बात कर लेंगे एक बस ओके में मैसेज कर देना तो एक्सटेंशन मिल जाएगा फिर उसका ले लेना देन मोक्षता वील डिसाइडेड एट दैट टाइम सी एस वन अगर आपका कम मार्क्स से क्लियर होता है मे बी टू थ्री मार्क्स से क्लियर नहीं हो रहा तो हम लोग तब देखेंगे कि क्या स्टेटस है तो वैसे ही हम लोग वर्क करेंगे अभी से डोंट थिंक मैंने भी दिया यार मैंने भी मैं भी अगर ये सोचूंगी पर मैं तभी सोचूंगी कि मुझे क्या करना है पर मैं ऐसा तो नहीं कि नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए पढ़ूंगी नहीं मैंने ये गलती एक बार किया था आई डिड नॉट स्टडी फॉर टू थ्री मंथ्स कि चलो रिज़ल्ट आएगा उसके बाद पढ़ेंगे तो ये गलती आप लोग भी मत करो पढ़ना स्टार्ट करो सी एम वन देखो कितना हो जाता है मे बी तुम्हारा बहुत ज़्यादा नाइन्टी परसेंट ऑफ द सिलेबस हो गया एंड सी एस वन में बहुत ही कम मार्क्स मिल रहे तब हम बोलेंगे नहीं आप सी एम वन ही पढ़ो अगर सी एस वन में आपको मे बी वन या टू मार्क्स से आपका नहीं होते देन वी विल डिसाइड ना कि आपका सी एम वन का क्या स्टेटस है एन अकॉर्डिंगली आई द यू कैन गो फॉर बोथ द पेपर्स और यू कैन जस्ट गो विथ सी एम वन सो वील डिसाइड एट दैट मोमेंट बट अगर सोचो आप लोग अगर हम लोग ऐसा करने लग जाए एक पेपर दिया एंड उसके लिए रिजल्ट के लिए वेट किया सो so खाली वो तीन महीने में क्या ही पेपर दे पाएंगे फिर तो आपके ट्वेल्व ईयर्स लग जाएंगे आपको पूरा एक्चुरीज खत्म करने में इंस्टेड ऑफ सिक्स ईयर्स डबल टाइम लग जाएगा सो so ये तो हम लोग दिस इज़ समथिंग यू आर जस्ट स्टार्टिंग योर जर्नी फॉर दोज हु जस्ट हैव स्टार्टेड योर जर्नी विथ योर एक्चुअल साइंस ये चीज़ अगर हम करने लग जाएँ अभी से तो आप सोचो इंस्टेड ऑफ क्लियरिंग ऑल द पेपर्स इन सिक्स इयर्स फाइव सिक्स इयर्स हमें टेन ट्वेल्व इयर्स लग जाएगा तो रिजल्ट का वेट करना फिर उसके बाद स्टार्ट करना जबकि टाइम ही नहीं बचता दो तीन महीने में हम क्या ही पढ़ लेंगे देन एक ही छोटा पेपर कितने सारे छोटे पेपर्स हैं जिसके लिए हम जा सकते हैं सी एम सी बी वन सी बी टू ये छोटे पेपर्स के लिए जा सकते हो या सी पी टू सी पी थ्री इनके लिए जा सकते हो तो वो कितने सारे हैं तो आपको ये हैबिट अभी से इनकल्केट करना है कि एग्जाम जो हो गया उसको भूल जाओ स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट दिस हैबिट शुड हैव शुड बी देयर फ्रॉम नाउ ओनली एंड I I think all of you those जिन्होंने those are working and those who have given six seven papers five six papers you all will agree with me when I say this कि ऐसे हम नहीं पढ़ सकते actually इसके लिए we cannot it's not a CA exam एग्ज़ाम की हम वेट करते हैं आई पी सी सी का रिजल्ट आएगान वी स्टार्ट विथ ऐसा नहीं कर सकते हम यहाँ पे क्योंकि इनका रिजल्ट ही टू थ्री मंथ्स बाद आता है उतने टाइम के लिए हम क्या करेंगे छोटे छोटे पेपर्स कितने सारे छोटे पेपर्स हैं दो तीन छोटे पेपर्स है, हैं उनमें हम कितना टाइम देंगे राइट right? सो so, ये हैबिट अभी से डे वन से इनकलकेट होना चाहिए आपको नहीं तो आपको टेन ईयर्स लग जाएगा ख़त्म करने में मे बी आपका वन मार्क से पेपर क्लियर हो जाए अगर आपको ऐसा लग रहा है आपका वन तब आप क्या करोगे फिर फिर आप सोचोगे यार हम कर ही लेते सीएम वन है ना क्योंकि सेप्टेम्बर अटैम्प्ट छोटा है कर सकते हैं उसमें सी एम वन बट अगेन वही चीज़ है सो यस एनी थिंग एल्स यू ऑल वॉन्ट टू डिस्कस आप लोग आराम से ऐसे चार्ट बॉक्स में या फिर आप लोग या आई जस्ट क्विकली राइट डाउन द नंबर आई विल गिव माई नंबर ऑल्सो टू यू ऑल मुझे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो दिस इज़ माई नंबर आप लोग इस नंबर पे भी मैसेज कर सकते हो ये नंबर पे मैसेज करना अगर कुछ वैसा है वरना आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो हाँ किसी ने हैंड रेस करा था अभी नहीं कोई बात नहीं तो आप लोग को मैं यही सजेस्ट करूँगी अब दोबारा से टुवर्ड्स दी एंड कि रिजल्ट का वेट करते करते टाइम मत वेस्ट करो दिस शुड बी अ हैबिट फ्रॉम डे वन क्योंकि जब ये हैबिट टूटा मेरा भी एंड आई सॉ द कॉन्सिक्वेंसेज प्लीज़ छोटे पेपर्स कितने ही दे लोगे आप तो इसीलिए जस्ट गो विद द फ्लो सी एम वन दिया है तो सी एस वन के लिए स्टार्ट करो सी एस वन दिया है सी एम वन के लिए स्टार्ट करो सी एम टू दिया है सी एस टू के लिए एंड वाइस एवस लाइक आई हैव डिसकस्ड तो ये आपको नेक्स्ट पेपर तुरंत स्टार्ट कर देना चाहिए एंड देन वॉट एवर द रिजल्ट इज तब डिसाइड करेंगे यू कैन हम एक्चुअली इसका ये मतलब नहीं कि हम अपना रिजल्ट ही प्रिडिक्ट कर सकते इतना प्रिडिक्शन वी कैन नॉट डू सो हम उतना प्रिडिक्शन नहीं कर सकते बट येस ऑब्वियसली वी कैन मिटिगेट या फिर हम जिसको बोलते हैं वी कैन प्रिपेयर फॉर एनी सिचुएशन विच कम्स अप सो वी कैन स्टार्ट स्टडिंग एंड वी कैन प्रिपेयर फॉर वट एवर द रिजल्ट कम पॉजिटिव नेगेटिव वी आर प्रिपेयर फॉर बोथ ऐसा नहीं कि वी आर जस्ट प्रिपेयर फॉर द नेगेटिव इवेंट वी वी शुड ऑल्सो भी प्रिपेयर फॉर पॉजिटिव सिचुएशन वॉट इफ़ वी क्लियर द पेपर राइट सो ऑल राइट थैंक यू सो मच आप लोग ने टाइम निकाला एंड यू ऑल कैन कॉन्टैक्ट ऑन दीज नंबर्स अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमें सबके सामने डिस्कस नहीं करना बट preparing for your next attempt even i अटैम्प्ट started you all should also start all right bye bye thank you